नमस्कार साथियों, आज का सफरनामा गौरीपुत्र गणेश की उस महिमा के नाम जिसके कारण भगवान गणेश का नाम एक दंत पड़ा। वैसे तो प्रथम पूज्य गजानन को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम है एक दंत। पर गणेश को एक दंत क्यों कहा जाता है? आपने भगवान गणेश के बड़े मंदिरों को और उसमें लगने वाली लंबी कतारों को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक मंदिर ऐसा है जो नक्सलियों के आतंक के साए में घने जंगलों के बीच लगभग 3,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसके ऊपर ना छत है और ना ही आसपास कोई दीवार। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक यहाँ भगवान गणेश लगभग 1100 सालों से एक दंत के रूप में विराजित है और मान्यताओं के अनुसार अपनी माँ पार्वती के आदेश अनुसार वो पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। भगवान गणेश के यहाँ एक दंत के रूप में विराजित होने के कारण ही इस जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा। जी हाँ साथियों, आज हम आपको सफरनामा के इस अंक में छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में फरसपाल गांव के करीब ढोलकल पहाड़ी पर विराजित भगवान ढोलकल गणेश मंदिर में लेकर चलेंगे। ढोलकल पहाड़ी पर भगवान परशुराम और भगवान गणेश का युद्ध हुआ था। यहाँ पौराणिक कथा आज भी प्रचलित है कि कहा जाता है ढोलकल की पहाड़ियों में भगवान परशुराम के फरसे से युद्ध के समय ही भगवान गणेश का एक दंत टूट गया था। यहाँ के आदिवासी भगवान गणेश को अपना रक्षक मानकर पूजते हैं। पुराणों में भी इसी तरह की कथा मिलती है। इसमें कहा गया है कि परशुराम कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शंकर के विश्राम करने वाली जगह पर प्रवेश कर रहे थे। भगवान शिव के विश्राम की वजह से परशुराम को भगवान शिव से मिलने से गणेश जी ने रोक दिया था। इस बात को लेकर दोनों में युद्ध हुआ। इसी लड़ाई में भगवान गणेश जी का एक दंत टूट गया था। तब से गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। परशुराम के फरसे से गणेश जी का दांत टूटा था, इसीलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे के गांव का नाम फरसपाल रखा गया। वहीं दूसरी कहानी है भगवान गणेश के उस रूप की, जिसका आकार हर दिन बढ़ता है, जिनके वस्त्र और आभूषण अपने आप छोटे हो जाते हैं। भगवान गणेश का यह एक ऐसा रूप भी है जिसकी करिश्माई शक्ति के आगे झूठ बोलने वाला शख्स चंद पलों में पकड़ा जाता है। वहीं यहाँ की गणेश प्रतिमा ढोलक की तरह गोल मटोल है, इसीलिए पहाड़ी को ढोलकल कहा जाता है। ढोलकल की पहाड़ियों पर स्थापित 6 फीट ऊंची 21/2 फीट चौड़ी ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित यह प्रतिमा है। 10वीं शताब्दी से दुर्लभ काले गणेश यहाँ विराजमान है। 10वीं शताब्दी से पहले के ग्रेनाइट पत्थर से बने गणेश जी की प्रतिमा को छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा यहाँ स्थापित किया गया था। इस भव्य मूर्ति को लेकर आज भी कई रहस्य बने हुए हैं। वास्तुकला की दृष्टि से यह प्रतिमा ललितासन मुद्रा में विराजमान है। गणपति जी की इस प्रतिमा में ऊपरी दाएं हाथ में फरसा, ऊपरी बाएं हाथ में टूटा हुआ एक दंत, नीचे दाएं हाथ में अभय मुद्रा में अक्षरमाला है। वहीं मूर्ति के नीचे बाएं हाथ में मोदक है। लगभग 80 वर्ष पहले अंग्रेजी भूवैज्ञानिक क्रुक शेंक ने पहली बार ढोलकल स्थित का जिक्र अपनी जियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑफ साउथ बस्तर में किया था। इसी दौर में बेलाडीला खदानों की खोज भी की गई थी। 2.5 फीट ऊंची विशाल गणपति की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम फरसपाल से आगे चलकर कोतवाल पारा पहुंचना होता है। इस स्थान से अगला पड़ाव है ग्राम जंगपारा। यहां से आगे ढोलकल की पहाड़ियों तक पहुंचा जाता है। साथियों, आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं आपको लेकर चलूंगा ऐसी ही अद्भुत और रोचक जगहों पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपको सफ़रनामा का
यह अंक कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी है safarnamavineet@gmail.com। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी कमेंट कर सकते हैं। अगले अंक में मिलने के वादे के साथ नमस्कार साथियों।